दवाइयों से मनुष्य स्वस्थ नहीं होता, बल्कि प्राण शक्ति के प्रवाह से होता है। अजपा के द्वारा प्राण शक्ति अधिक मात्रा में शरीर में प्रविष्ट होती है। ऑक्सीजन के द्वारा प्राण शक्ति अधिक और पूरे अंगों में प्रवाहित होती है और रक्त नाड़ियों में उनके ठहराव का समय अधिक होता है। यहां नहीं खड़ी कर सकता। प्राण शक्ति कहते हैं लाइफ करंट को। इस लाइफ करंट को शरीर में ज्यादा से ज्यादा भरने से मनुष्य की आयु लंबी होती है। प्राण शक्ति हर एक आदमी के शरीर में बहती रहती है। जिनमें बहुत अधिक मात्रा में ये शक्ति होती है वे बहुत स्वस्थ, प्रसन्न, शांत, सौम्य दिखते हैं। उनके पास बैठने से रोगियों को बहुत आराम मिलता है। रोगी के शरीर में प्राण शक्ति आवश्यकता से बहुत कम होती है, इसलिए वे दुर्बलता और पीड़ा का अनुभव करते हैं। जिनमें जितनी शक्ति अधिक होगी वे बड़ी पीड़ा और दुख को भी शरीर को कम से कम हानि पहुंचाकर सह लेते हैं। तो शरीर में जीवनी शक्ति को आपूरित करने का रास्ता है अजपा का नित्य अभ्यास। अजपा का अभ्यास अधिक से अधिक मात्रा में करने से जीवनी शक्ति का संग्रह और संचार होता है। ये जीवनी शक्ति ही रोगों में उपचार का काम करती है और प्राणदान देती है। अजपा मन का भी इलाज करता है। मन को नियंत्रित करने और सूक्ष्म में प्रवेश कराने का एक ही द्वार है, अजपा नामक श्वासों की सुरंग। चेतना, प्राण और मन को संयुक्त करने से अजपा बनता है। अजपा प्राणों के सहारे चलता है। प्राण से मन संचालित होता है, इसलिए अजपा करने से मन का स्वतः संयम भी होता है और उसके तत्व भी बदलते हैं। अजपा से मन और चित्त का पुराना तत्व एकदम बदल जाता है और नए तत्व आपूरित होते हैं। अजपा से मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी में गर्मी पैदा होती है, जो हमारी शक्ति केंद्रों का संग्रहागार है। शरीर के सभी शक्ति केंद्र और स्नायुओं के जाल सुषुम्ना से निकलते हैं। लंबी श्वास लेने में सुषुम्ना प्रवाहित होती है, कुंडलिनी का उत्थान होता है और आत्मानुसंधान में मदद होती है। अजपा जप द्वारा पारिवारिक कलहों का भी निवारण होता है।